नंदनवन थाना अंतर्गत 11 वर्षीय बालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक जूना बगरगंज निवासी बॉबी उर्फ वंशील हर्षवर्धन डोईफोड़े बताया गया। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन पहले उनके घर के पास रहने वाले दो युवकों ने बॉबी से मारपीट की थी। इसके बाद से वह दो दिन बीमार रहा और फिर अचानक उसने दम तोड़ दिया। हर्षवर्धन डोईफोड़े का इकलौता पुत्र था। दो दिन पहले मोहल्ले के दो युवकों ने बॉबी की पिटाई की थी, इस कारण उसके सीने में चोट लगी। युवकों ने उसे धमकाते हुए यह बात किसी को भी बताने से मना किया। तबीयत बिगड़ने पर बॉबी ने यह बात अपनी बहन को बताई। बॉबी को तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हर्षिल डोईफोड़े हा 11 वर्षाचा मुलगा आहे, 6व्या वर्गात शिकतो तेजस्वी हायस्कूलला। तो 16 तारखेला अचानक आजारी पडला, त्याची ट्रीटमेंट त्यांनी एरियातल्या डॉक्टर दलालकडे केली, त्याची सोनोग्राफी पण झाली। पण त्याची 18 तारखेला अचानक संध्याकाळी प्रकृती बिघडल्याने त्याला सेवासा हॉस्पिटलला दिला, तिथे डॉक्टरने मृत घोषित केले। त्याच्यानंतर त्या वडिलांनी पोलिसांना माहिती दिली, आपण मेडिकलला त्याची बॉडी पाठवली। काल त्याचं PM झालं, अजून PM रिपोर्ट अवेटेड आहे। तोपर्यंत PM रिपोर्ट येत नाही तोपर्यंत आपण निश्चित काही सांगू शकत नाही मरणाचं कारण, जोपर्यंत आपल्याला माहीत पडत नाही तोपर्यंत आपण निश्चित काही सांगू शकत नाही। जसं PM रिपोर्ट प्राप्त होईल त्यानुसार पुढची कारवाई करण्यात येईल। त्यांच्या आईवडिलांचं म्हणणं आहे की 14 तारखेला वस्तीतले दोन मुलं आहे, त्याच्यापेक्षा वयाने थोडे मोठे आहे, 18 ते 20 वर्षाचे, त्यांनी काहीतरी त्याला टपली मारली म्हणतात। त्याच्यानंतर तो 16 तारखेला आजारी पडला। त्याच्यामध्ये नेमकं कोणतं कारण आहे जे जोपर्यंत PM रिपोर्ट येत नाही तोपर्यंत आपण निश्चित काही सांगू शकत नाही। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।